सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसको सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका NDA हो, CDS हो, या बैंक हो, SSC हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें स्पेलिंग करेक्शन के 2 क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिलते हैं। तो आज मैं आपके लिए स्पेलिंग करेक्शन का वीडियो लेकर के आया हूँ। आप इसको एनालिसिस करिए और इसके बाद में इसको समझिए कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एग्ज़ाम पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, उसको आपको देखना है, उसको समझना है, और बिल्कुल आपको ये वर्ड जो है समझ लेना है पूरी तरह से। और इसको PDF में आपको मैं PDF भी दूंगा, इसकी PDF को आपको जो है सेव कर लेना है, और जब आपका एग्ज़ाम हो तो एक बार ज़रूर इन वर्ड्स को देखे जाइए। चलिए इसको वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एम्बैरेसमेंट। अब देखिए, एम्बैरेसमेंट को सॉल्व करने में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो है डबल R आता है और डबल S आता है, एक सीक्वेंस काम करता है डबल R और डबल S का, ठीक है। तो EMBA RR SSENT, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रिजर्वेंस दिया गया है। प्रिजर्वेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो है PERSERV, इसके बाद में VERANCE, यहाँ पे आपको जो है बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है थर्ड नंबर पे इंटेलिजेंस। देखिए, वर्ड बहुत आसान है लेकिन इसमें गलती के चांसेस बहुत होते हैं, तो यहाँ पे एक तो ये तो पता है आपको कि यहाँ पे LL आना चाहिए, है ना, तो LL आएगा, ये पक्का है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस की अगर हम करेक्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंस का, तो INTELLIGENCE। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे आपका एफिलिएट दिया गया है, और एफिलिएट का मतलब होता है किसी चीज़ से संबद्ध होना, उससे जुड़ा हुआ होना। तो यहाँ पे एफिलिएट के अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे FF आएगा, है ना, तो AFF। तो यहाँ पे FF के ऑप्शन पे देखें तो A ऑप्शन तो हो नहीं सकता, C ऑप्शन भी नहीं है, D ऑप्शन भी नहीं है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो है आपका B ऑप्शन, तो यहाँ पे B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है एकोमोडेशन। इसमें देखिए, एक सीरीज काम करती है, इसमें ये आपका है सीरीज जो है यहाँ पे CC होना चाहिए, O होना चाहिए और MM, ठीक है, और फिर O, तो यहाँ पे CC और इसके बीच में O होगा, फिर MM होगा, फिर O होगा, इस तरह की एक सीक्वेंस काम करता है, एक सीरीज काम करती है। तो इसके अगर हम आंसर पे जाएं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ACCOMMODATION, तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन ही आपको मिल रहा है, ठीक है, ACCOMMODATION ऑप्शन, ठीक है, ये आपके। इसके बाद में सिक्स नंबर पे आते हैं। सिक्स नंबर पे अगर हम आंसर की बात करें तो कंसेंसस आपका दिया गया है, ठीक है, और कंसेंसस का जो आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेन स्टिकिंग का सेंस जाता है, ठीक है, पेन स्टिकिंग के बाद में हम बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग का सेंस हो सकता है। नेक्स्ट अगले सेवन नंबर पे आते हैं, ह्यूमरस दिया गया है। ह्यूमरस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वहाँ पे हमारा ए नंबर दिया गया है, ह्यूमरस करेक्ट हो जाएगा। नाउ एट्थ नंबर पे आते हैं। एट्थ नंबर पे आपका नार्सिसिज्म दिया गया है। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये घमंड का सेंस आता है, ठीक है, तो घमंड के सेंस में जाता है नार्सिसिज्म। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका दिया गया है, ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी अपने आप को सब कुछ समझने वाला, यानी सेल्फ लव का सेंस आता है, ठीक है, सेल्फ लव। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है अननेसेसरी, अनसर्कुलस, अनपैरेलल्ड और अनप्रेसिडेंटेड। तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ड जो है वो करेक्ट है, बाकी वर्ड गलत हैं, तो यहाँ पे जो है कौन सा वर्ड सही है, आपका ए नंबर जो दिया गया है अननेसेसरी, ये वर्ड आपका करेक्ट है। अब बाकी के वर्ड को अगर हमें करेक्ट करना है तो अनसर्कुलस जो आपका दिया गया है वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे UNCRU यहाँ तक तो सही है, लेकिन PU, ठीक है, P के बाद में आपका क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, PULOUS, अब ये वर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, तो B ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमोरल, अनैतिक,
इसके बाद में अनपैरेलल्ड दिया गया है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में अनपैरेलल्ड दिया गया है, तो आपको पता है डबल एल होता है ना, तो यहाँ पे सिंगल एल लिखा हुआ है, एक एल और ऐड करिए डबल एल हो जाएगा। इसके बाद में अनप्रेसिडेंटेड दिया गया है, अनप्रेसिडेंटेड जो है इसी का सिनोनिम होता है, लेकिन स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सी आई नहीं होता, ठीक है, तो सी आई जो है वो गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी ई होना चाहिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th नंबर में इंडेवर दिया है, इंडेवर से मुझे याद आता है एक फोर्ड की गाड़ी है शायद, तो उसका भी नाम इंडेवर है, ठीक है, तो इंडेवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, ओके, तो इसकी अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो 10th का हमारा जो ए ऑप्शन दिया गया है वो एकदम सही है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ 11th नंबर पे आते हैं, 11th नंबर पे ऑसिलिएट ये तो सही दिख रहा है, डेलिबरेट भी सही लिखा हुआ है, नरेट भी आपका सही लिखा हुआ है, एनामरेट जो है ये गलत लिखा हुआ है, अगर एनामरेट को हमें सही करना हो तो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एनोमरेट जो होगा ई एन यू एम ई आर ए टी ई ये आपका वर्ड आ जाएगा। 12th नंबर पे आपका जो है सोवेनिर जो वर्ड दिया गया है, सोवेनिर जो वर्ड आपका आता है कि यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपका बी ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी निशानी यानी मोमेंटो, ओके, मोमेंटो बोल सकते हैं, ठीक है, निशानी है, या फिर रिमाइंडर के सेंस पे जा सकता है, सो वी कैन से दैट रिमाइंडर आल्सो, ओके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एडोलसेंट, अब अगर एडोलसेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, ए डी ओ एल ई एस सी ई एन टी, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। इसके बाद में 14 नंबर दिया गया है, 14 के अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है विलफुल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर पे, सेटेलाइट दिया गया है, और सेटेलाइट का जो करेक्ट ऑप्शन है एस ए टी ई डबल एल आई टी ई, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपको दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेटेलाइट। इसके बाद में आते हैं 16 नंबर पे, 16 नंबर पे एक्वेंटेंस दिया गया है, और एक्वेंटेंस का मतलब होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे एक्वेंटेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिटेरियोरेट दिया गया है, डिटेरियोरेट ये वर्ड मेडिकल पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जब भी हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटलाइज होता है, भर्ती होता है, तो बोलते हैं ना डॉक्टर की द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज़ डिटेरियोरेटिंग, तो इसका मतलब उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो यहाँ पे डिटेरियोरेट के अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कलीग दिया है, कलीग का मतलब कोई भी मित्र है, साथी है, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कलीग की क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया गया है, 18 का ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 19 नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे इंटरमिटेंटली आपका जो वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे 19 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इररेगुलर, ओके, इररेगुलर वी कैन से। इसके बाद में 20 नंबर पे आपका दिया गया है रिज्यूविनेशन, रिज्यूविनेशन के ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसका मतलब होता है कायाकल्प, ओके। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर पे आपका जो है डिजेंट्री जो वर्ड दिया गया है, अब डिजेंट्री जो वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, दैट इज डिजेंट्री, ओके। नेक्स्ट आते हैं एनिहिलेट आपका जो वर्ड दिया गया है 22 में, तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो एनिहिलेट का ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि डबल एन आना चाहिए, ओके, डबल एन आपका जो है डी ऑप्शन में मिलेगा, हालांकि बी ऑप्शन में है लेकिन यहाँ पे डबल एस दे दिया गया बी नंबर में, जो कि गलत है। एनिहिलेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ओके, डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय के बहुत सारे सिनोनिम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पे, तो 23 नंबर पे एम्बेरस्ड दिया गया है, एम्बेरस्ड देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड होता है, तो बी ए के बाद में डबल आर आता है और ए ए के बाद में फिर डबल आर डबल एस, ठीक है, दैट इज़ एम्बेरस्ड, तो 23rd का जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए नंबर सही हो जाएगा, तो ए नंबर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब आते हैं 24 नंबर पे,
ब्रिजरी आपका जो वर्ड दिया गया है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। 24th को क्या होता है, तो इसका मतलब फॉल्स एविडेंस होता है। फॉल्स एविडेंस, तो यहाँ पे ब्रिजरी का जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेट्रोजीनियस दिया गया है 25th नंबर पे। हेट्रोजीनियस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है HETROGENEOUS, तो हेट्रोजीनियस का जो सही स्पेलिंग है वो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26th नंबर पे यहाँ पे जो है रेट्रोस्पेक्ट जो वर्ड दिया गया है ये तो बिल्कुल गलत है, और रेट्रोस्पेक्ट में अगर हम सही करना चाहें 26 का, तो यहाँ पे सही क्या होगा, तो यहाँ पे एस्पेक्ट यानी SPE है ना, SPE होना चाहिए, यहाँ पे ए दिया गया है जो कि गलत है, तो रेट्रोस्पेक्ट सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है 26th का, वो प्रॉस्पेक्ट सही है, यानी 26th का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा जो सी नंबर दिया गया है, सी नंबर पे आपका जो है इंस्पेक्टर दिया गया, इंस्पेक्टर भी गलत है, यहाँ पे TER दिया गया है जो कि गलत है, क्या होता है TOR, तो डी ऑप्शन में PRECEPT आपका जो है होता है, यहाँ पे SE लिखा हुआ है तो यहाँ पे CEPT होना चाहिए। ओके इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी रूल है ना, या फिर सिद्धांत है, नियम है, तो प्रिंसिपल का सेंस आ सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर पे। अटरेंस दिया गया है 27 में। अब 27 का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपका क्या है, तो अटरेंस का जो सही वर्ड है वो आपका ए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमार्क, REMARK, रिमार्क, और वी कैन से दैट स्टेटमेंट, ठीक है स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर पे कंसाइंस दिया गया है, तो कंसाइंस का जो सही स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है वो आपका ए ऑप्शन है, तो कंसाइंस का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। 29 में जो आपका जो है स्पेलिंग बिगिनिंग, तो ये तो करेक्ट दिया है, डिस्गाइजिंग भी सही है, ऑर्डिनरी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो ऑर्डिनरी NE नहीं होता है, क्या होता है NA होना चाहिए। ओके ऑर्डिनरी को सही कर दीजिए, तो यहाँ पे सी वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 में आपका टॉलरेट जो है वो TOLERATE होना चाहिए, तो यहाँ पे बाकी सब तो सही दिए हैं ठीक है, लेकिन टॉलरेट गलत लिखा है, तो यहाँ पे TOLE होना चाहिए है ना, और RATE, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर पे अगर देखें तो कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूटी, ये कॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूअल, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टीन्यूटी जो सी ऑप्शन में जो दिया गया है वो गलत है, तो यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में 32 में आते हैं, तो 32 में आपका जो वेगाबॉन्ड दिया है, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, और आवारा जो होता है, तो यहाँ पे वेगाबॉन्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए वो आपका डी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर पे आपका जो है मैनर्ड दिया गया है। अब मैनर्ड की जो सही स्पेलिंग है ये तो बिल्कुल आ गई होगी ठीक है, तो यहाँ पे मैनर्ड की सही स्पेलिंग क्या होगी, डी होगी, MANNERED। नेक्स्ट है 34 नंबर पे। टेरिटरी दिया गया है, टेरिटरी का मतलब कोई भी क्षेत्र है, कोई भी सीमा है, तो टेरिटरी का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होना चाहिए, तो टेरिटरी की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो हो जाएगा TERRITORY, ठीक है, तो यानी कौन सा नंबर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 35 नंबर पे प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ के प्रिकॉशन लेना, यानी प्रिकॉशन पहले से बंदोबस्त करना, तो ये प्रिकॉशन है यानी परहेज, तो इसका मतलब 35 नंबर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रिकॉशन के लिए हमारा क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, PRECAUTION। इसके बाद में डिटर्मिनेशन दिया गया 36 नंबर पे। डिटर्मिनेशन का जो सही स्पेलिंग होगा DETERMINATION है ना, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, 36 का हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37 नंबर पे सेंसेशंस दिया गया है। सेंसेशन का मतलब होता है सनसनीखेज या सेंसेशनल वर्ड बना, इसी से 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 38 नंबर पे आते हैं। 38 का हमारा सी नंबर सही है, एडमिशन, ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर पे आते हैं। 39 का जो है ऑप्शन क्या आंसर सही है, सर्टिफिकेट, ये तो वर्ड बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
40 नंबर पे आते हैं ओकेजनली। ओकेजनली तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? बी नंबर बिल्कुल गलत, सी नंबर भी गलत है और डी नंबर भी गलत है। आंसर आपको मिल गया कौन सा? ए नंबर। तो यहाँ पे आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और बिल्कुल आपको अगर समझ में आया है तो ये वीडियो केवल आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको आपको अपने फ्रेंड्स को भी देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं या ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करने की ज़रूरत है, इसको शेयर करना है आपको। और आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।